हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डे एडिट। तो आज मैं दिखाऊंगा कैसे काइनमास्टर ऐप को यूज़ करता है, कौन सा बटन कैसे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो काइनमास्टर ऐप से आप खुद का एक स्टेटस बना सकते हो फोटो से, नहीं तो कुछ HD क्वालिटी, 4K क्वालिटी सबका ही स्टेटस बना सकते हो क्वालिटी का, नहीं तो कुछ गेमिंग चैनल का वीडियो भी एडिट कर सकते हो, कौन सा भी वीडियो एडिट कर सकते हो, ऑल टाइप वीडियो एडिट कर सकते हो काइनमास्टर से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो देखना, सबका ही काइनमास्टर ऐसा नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कुछ लोगों का देखोगे काइनमास्टर ऐसा होगा कि 16:9 रहेगा, 9:16 रहेगा, और ये वाला रहता है 4:1:1 रहता है, ये तीन ऑप्शन रहते हैं। तो ये मैं जो काइनमास्टर यूज़ कर रहा हूँ वो ये 5.0, तो इसका लेटेस्ट वर्सन है। तो इसका भी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूँगा कमेंट पे ही। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इन तीनों में आपका जो इमेज का फ्रेम है और ठीक उसके हिसाब से लेना है, जो कि आपको YouTube चैनल का कोई वीडियो बनाना है तो 16:9 ले लेना है, नहीं तो आपको कोई Instagram व Facebook का स्टोरी लगाना है, नहीं तो Facebook का स्टेटस देना है तो आपको 9:16 पे लगना है। और 1:1 जो है वो है Instagram का, जो क्या ये साइज होता है Instagram फ़ोटो का जो साइज है ना, वो वाला साइज है ये, ऐसा ज़्यादा काम नहीं लगता है 1:1, 16:9 और 9:16 ही काम करता है। तो चलिए मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, मैं 16:9 चूज़ कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कर देना। फिर देख रहे हैं यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, ये जो सेटिंग ऑप्शन है इस पे जाना है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, एडिटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पे आके पहले ही देखना जो है, यहाँ पे तो तीन ऑप्शन है, फिट इन स्किन, फिल इन स्किन और रैंडम। तो यहाँ से आपको करना है मिडिल पे, जो क्या करता है दिखा देता हूँ। जब तुम एक फ़ोटो चूज़ करोगे, तो ये फ़ोटो चूज़ करता हूँ, तो देखना स्क्रीन का पूरा आ गया, मैंने आपको इसका जो साइज़ है ना उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसको दिखाता हूँ कौन ये वाला जो पोर्शन है ना, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर से दिखाता हूँ, जो पैदा वाला ऑप्शन था उस पर करके एक फ़ोटो ऐड करता हूँ, देख लो, देख लो फोटो का क्या चेंज है। फिल स्किन करोगे तो फोटो पहले से ही पूरा का पूरा फिल होके आएगा, नहीं करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा। तो आपको बाद में भी एडिट करना कर सकते हो, या जो फ़ोटो नहीं है उस पर टच करना, यहाँ पे जो ऑप्शन है ड्यूरेशन चेंज करने का, इस पर जाना, दोनों हाथ से जूम करना फ़ोटो को, देखना अपना फ़ोटो सॉरी जूम करके सेट कर देना, फिर राइट क्लिक कर देना, हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम है इसलिए क्वालिटी डाउन है। तो ये देखना है पहले से जूम आउट हो रहा है इन, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो पहले ही है, मैंने लास्ट का वीडियो फोटो का, और पहले का है जूम किया है, इसलिए जूम इन आउट कुछ भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना, फिर कुछ नहीं होगा, सही सीधा ही रहेगा। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दिखाता हूँ, सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है, फिल स्क्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है कितने का है, 15 के 15 है। तो इसको क्या करना है, पहले पूरा माइनस करके दिखाता हूँ फोटो का, देना फोटो एकदम 0.100 सेकेंड का हुआ है, 0. तो आपका ड्यूरेशन यहाँ से पूरा कर देता हूँ, तो 15 सेकेंड का फ़ोटो का आ जाएगा। यही है इसका लॉजिक, देख लेना, देखो पहला फ़ोटो था इतना और लास्ट का फोटो इतना, यही है फ़ोटो पे डिफरेंट। तो आप यहाँ से देखना पड़ेगा जितना का फ़ोटो का साइज रखना चाहते हो, इसी तरह फोटो का टाइम फ्री टाइम रख सकते हो, डिलीट कर देता हूँ। फिर
फिर सेटिंग पहले का काज हो गया, फोटो वीडियो जो भी एडिट करोगे यह आपका पहला काम। सेकंड काम है एक फोटो चूज़ किया, तो इनका अंदर जो जो है मतलब स्टेटस आना सकते हो, तो क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है, फिर आप जो भी ऐड कर करना चाहते हो, जैसे कि मैं एक ग्राफिक्स ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो ये वाला इसमें से एक कर सकता हूँ, आपको जिस जो भी अच्छा लगे यहाँ से रख सकते हो। और एक बात लास्ट पे बोलता हूँ, पहले दिखा देता हूँ, जो भी आगना चाहते हो आप, मैं नॉन कर दूँ नॉन कर दूँ। फिर क्या ये जो ग्राफिक्स मिलता है कहाँ से, तो आप क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है, मोबाइल का नेटवर्क ऑन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे गेट मोड का जो ऑप्शन है, सॉरी गेट मोड बोली स्टोर का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है, आपका नेटवर्क का स्पीड से काम करता है, डाउनलोड करना पड़ता है ग्राफिक्स को, थोड़ा सोच कर लेना। तो यहाँ पे देखना बहुत सारा है, कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी अच्छा लगे उस पे जाके डाउनलोड कर लेना है, बस हो जाएगा। अब यहाँ से वीडियो को देख भी सकते हो कि ग्राफिक्स कैसे काम करता है। तो हो गया इसका ग्राफिक्स का काम, समझा दिया। फिर है देखा देता हूँ यहाँ से, हो और एक फोटो चूज कर लेता हूँ पहले, मैं यहाँ पे दोनों फोटो ले लिया हूँ। तो इसके मिडिल पे जो प्लस वाला आइकन है ना, इस पे जाना है, इसका जो काम है देख सकते हो, एक फ़ोटो के बाद दूसरा जो फोटो आएगा उसके मिडिल पे कुछ ट्रांजेक्शन आएगा, जैसे कि ये वाला, नहीं तो ये वाला, मैंने एक के बाद और एक फ़ोटो आएगा, इस तरह से बहुत सारा ग्राफिक्स है। और यहाँ से भी गेट मोड स्टोरेज पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसका भी स्पीड भी सही कर सकते हो आपके हिसाब से। और आपका फ़ोटो समझो ऐसा इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए, तो आपको क्या है, यहाँ क्रॉप पे जाना है, राइट साइड क्रॉप करोगे तो राइट साइड से क्रॉप हो जाएगा, यहाँ से जो भी करोगे आप, समझो आपको गलती से राइट साइड क्रॉप हो गया, फिर इसको आपको बैक पे आना है, तो क्या करना है, यहाँ पे जो एक ऑप्शन में देख रहा है ना, इसको करना है तो फिर से आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्रॉप करोगे तो लेफ्ट साइड क्रॉप होगा, यहाँ पे जो मिडिल का तीन नंबर ऑप्शन है इसको करोगे तो इसका मिडिल पे एक प्लस वाला आइकन आ जाएगा, मतलब दोनों फोटो दो हो जाएगा, एक फ़ोटो दोनों साइड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो फोर चार नंबर ऑप्शन है इसको करोगे तो क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आएगा, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, मतलब फ़ोटो का टेक्सचर आएगा, वीडियो पे करोगे तो वीडियो का जिस टाइम करोगे तो उस टाइम का जो फोटो वीडियो को पॉज किया है ना उसी का एक स्क्रीनशॉट होकर फिर से फोटो वीडियो पे लग जाएगा, या फोटो पे करोगे तो फोटो ही लगेगा, लेकिन वीडियो पे करोगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आएगा, स्क्रीनशॉट आके वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आपको कट आउट का समझा दिया, रुको वेट फिर आता हूँ। यहाँ पे जो है कलर फिल्टर पे फिल्टर है, जो आपको जो भी अच्छा लगे फिल्टर लगा देना, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है फिल्टर पे। एडजस्टमेंट पे जाओगे तो ब्राइटनेस को आपको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, फिर माइनस कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट को बड़ा कमा सकते हो, और सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, बस। फिर है आपको यहाँ पे बिगनेट, बिगनेट करने के से क्या होगा ना, फोटो का अच्छे से देखो, फोटो का एक राउंड का राउंड से ब्लैक हो जा रहा है फोटो को, फोटो यही होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये करोगे तो 9:16 पे जब फ्रेम का एडिट करोगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, आपको इसको कैसे काम करता है ना, आपको फोटो का जूम आ हुआ, मैंने अच्छे से एडिट करने के लिए फ़ोटो
आपका फुल स्क्रीन होगा फिर छोटा हो जाएगा ये, और कुछ नहीं है फ़ोटो पे। फ़ोटो का ड्यूरेशन चेंज कर सकते, फ़ोटो का रोटेट कर भी सकते हो। फिर आप फिर यहाँ पे जो है लेयर मोड मीडिया पे है, फर्स्ट है मीडिया, मीडिया पे जाके देखा देखो एक वीडियो ले लेना ले सकते हो कोई भी। तो वीडियो मैं फ़ोटो के ऊपर दे दिया हूँ, तो क्या होगा जब वीडियो ऑन करूँगा देख सकते हो ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ब्लैक स्क्रीन के वजह से फ़ोटो नहीं देखेगा। तो क्या करना है, लेयर पे जाके यहाँ पे जाके ब्लाइंडिंग पे जाना है, स्क्रीन पे कर दोगे तो ब्लैक उठ जाएगा। आप जो भी फोटो जो भी फोटो वीडियो का टेक्सचर है तो उसका लेयर पे जाके ले लेना है, फिर ब्लैक ब्लाइंडिंग पे आके स्क्रीन कर दोगे तो वो जो ब्लैक स्क्रीन है वो उठ जाएगा, पूरा हट जाएगा ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक जो भी ब्लैक होगा जो लेयर पे जाके आप ऐड करोगे तो पूरा हट जाएगा। तो ये है लेयर का एक समझा। तो फिर और भी है लेयर पे, फिर से दिखाता हूँ आपको, और भी एक फ़ोटो चाहिए तो लेयर पे जाके ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड हुआ। तो इसको बड़ा भी सकते हो, बड़ा कम छोटा भी कर सकते हो। इसका जो पहला ऑप्शन है ना, इस पे जाओगे तो क्या होगा, फ़ोटो ओपन जब होगा माने फ़ोटो जब आएगा फर्स्ट पे, तो फ़ोटो को जूम आउट होगा कि जूम इन होगा कि बहुत सारा ऑप्शन है, आपको देख के कर लेना है। ये जो है पहला वाला ऑप्शन है, ये हो फोटो का फर्स्ट। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो फोटो का मिडिल, मतलब फोटो का ऑल टाइम जो फोटो पे रहेगा, ऑल टाइम फोटो ऐसा ही होगा माने फोटो के अंदर होता ही रहेगा। फिर है लास्ट पे, तीन वाला थर्ड नंबर ऑप्शन है आ गया एंड पे आउट, मतलब जब फोटो माने क्या बोलूँ ओपन होगा फिर बंद होगा तब के टाइम ऐसे ही बंद होगा फोटो। यह तीन ऑप्शन। फिर आता है लिया मीडिया पे, लेयर पे जाके और जो जो भी आता है सबको ही दिखा दूंगा। क्रोमा, क्रोमा जो होता है दिखा देता हूँ, जो आपको वहाँ पे जाके ब्लाइंडिंग पे जाके ब्लैक वाला हटा सकते हो, क्रोमा पे आप जो भी कलर हटा सकते हो जो भी। फिर पहले इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ से कलर चूज़ करना पड़ेगा, मैं येलो चूज़ किया तो यहाँ पे जो गाड़ी का बाइक का कलर था वो पूरा हट गया, और जो जो भी ये था मीडिया का जो फोटो था उसमें सब हट जाएगा। जैसे कि मैं चूज़ किया ये वाला कलर, तो देखो जो जो भी उस टाइम उस कलर का जो जो भी था वो सब हट गया। क्रोमा का यही काम है, जो जो आप देख सकते हो सिनेमा पे होता है बिग ऐड देता है टीवी पे, तो वो सच में ही क्या वो जो माउंटेन पे जाके ऐड करते हैं नहीं करते, वो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का मदद लेता है, कैसे काम करते वो भी दिखा देता हूँ। वो एक पहले ग्रीन स्क्रीन का मतलब हो एक छोटा हॉल रूम पे एक बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर करेगा, नहीं तो कुछ ग्रीन टाइप से कुछ लगा देगा तो क्या फिर वीडियो को शूट करता है, फिर उसको एडिट कर लेता है। देखा है तो कैसे करते हैं लोग, जैसे कि ये मेरा ग्रीन है देखा, सॉरी ये वाला नहीं काम करेगा दिखाता हूँ।
ये रहा मेरा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो। तो कैसे काम करते दिखाता हूँ। तो जब वो टीवी पे ऐड दिखाता है, माउंटेन पे जाके कुछ लोग वीडियो बना रहा है, नहीं तो कुछ ऐड दे रहा है, तो ऐसे ही करते हैं। ग्रीन स्क्रीन के सामने जाके एक वीडियो बनाता है, फिर इसको एडिट कर लेते हैं। तो कैसे करते दिखाता हूँ। पहले लेयर पे ऐड करके क्रोमा पे जाता है, फिर इसको इनेबल करते हैं, फिर इसको जो भी कलर चूज़ करोगे, मैं ब्लू चूज़ किया हूँ तो ब्लू कलर हट किया, ग्रीन चूज़ करूँगा तो ग्रीन कलर हट जाएगा। ऐसे ही काम करते हैं, मतलब जो भी कलर क्या करता है बंदा, दिखाता हूँ आपको। एक ग्रीन क्या बोलता हूँ, वो जो होता है ना, कुछ कलर लगा दिया था दीवार पे, पेंट कर लेता है ग्रीन कलर का, फिर उसका पहले डांस करता है। तो फिर एडिट के टाइम ग्रीन स्क्रीन को हटा के बैकग्राउंड पे एक माउंटेन का फोटोस लगा देता है, फिर जो वीडियो है होता है ना जो डांस किया, वो ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा, फिर हम लोगों को लगता है कि वो माउंटेन पे डांस कर रहा है। ऐसे ही वीडियो को बनाता है इसके मदद से, क्रोमा को यूज़ करके। जो भी कलर चूज़ करो वही हट जाएगा वीडियो का। तो क्रोमा का आ गया, फिर एक लेयर को लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्रॉपिंग। तो अब लेयर को भी क्रॉप कर सकते हो, आपको हिसाब से कर सकते हो लेयर का भी। फिर है ओपेसिटी, लेयर का कितना रखना चाहते हो। कलर फिल्टर एडजस्टमेंट मैंने पहले ही देखा दिया, और कुछ नहीं लेयर पे, लेयर पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे इफेक्ट, जो आपको कुछ वीडियो पे अंदर ऐसा कुछ है जो आपको दिखाना नहीं चाहते हो, मतलब कुछ ऐसा नंबर आया है नहीं कुछ भी, तो उसको क्या करते है ना, पूरा का मिट नहीं जाता है, फिर अब्जा हो जाता है। मतलब दिखा देता हूँ, देख लो ब्लर हो जाता है फोटो का पूरा, जो भी आप नहीं पार्ट दिखाना चाहते हो आपको हिसाब से रखना है। तो फिर यहाँ पे सेटिंग पे आके आप इसको कितना रख सकते हो भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे स्टिकर, और कुछ स्टिकर है स्टिकर सर, आप स्टोरेज पे जाकर भी अच्छा अच्छा स्टिकर ले सकते हो। टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसका चेंज भी कर सकते हो, फॉन्ट सॉरी कलर चेंज कर सकते हो। इसका भी जो फर्स्ट लास्ट मिडिल लास्ट है कर सकते हो, ब्लेंड नहीं कर सकते, आउटलाइन वाला बना सकते हो ब्लैक कलर का कोई, और भी है शैडो, मतलब कुछ ये 3D लाएगा देखने, और भी है कुछ। फिर आता है हैंड राइटिंग, जो आप ना वीडियो के अंदर कुछ कर सकते हो, कुछ राइटिंग हर मिटाना चाहते हो इस तरह से उसका ऊपर कलरिंग कर सकते हो। फिर आता है म्यूज़िक का पार्ट, तो आप ऑडियो पे जाना है, यहाँ से म्यूज़िक पे जाना है, आपका फाइल पे पहले जाना है, तो आपका जिस भी फाइल पे म्यूज़िक है उस वाले फाइल पे जाना है, फिर म्यूज़िक पे ऐड पे कर देना, तो आपका म्यूज़िक ऐड हो जाएगा। म्यूज़िक का भी कुछ क्रॉप आप यहाँ से कर सकते हो, कि आपका म्यूज़िक पे वीडियो का मिडिल पे वहाँ पे म्यूज़िक का जो साउंड है उसको पूरा का पूरा लू करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे पहले एक प्लस वाला मार्क लगाना है, फिर और एक प्लस वाला मार्क लगाना है, तीन प्लस वाला मार्क का लगाना है, तो मिडिल का प्लस का मार्क माइनस कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस वाला मार्क है ना, यहाँ तक वीडियो एक 100 वॉल्यूम पे आएगा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर 100 पे आएगा, फिर वीडियो चलेगा। आपको दिखा देता हूँ, मिडिल पे वीडियो डाउन हो गया था। अब जैसे आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे ही, आपको जैसा करना है ठीक है, उसे ही आप रख सकते हो। मतलब आप यहाँ पे कुछ अपना वॉइस लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे जाके इसको माइनस कर दिया,
फिर इतना आपका वॉइस ही रहा, फिर इसको प्लस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका वॉइस है रहेगा और म्यूज़िक का साउंड पूरा लो हो जाएगा। फोटो का ड्यूरे साइज ऐसे भी बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। अच्छे से देखना वीडियो अप डाउन हो रहा है वॉल्यूम, तो ऐसे आप सेट कर रख सकते हो। इस टाइम का आपका वॉइस लगा सकते हो इस टाइम पे, तो और वॉइस चेंज कर सकते हो कुछ। आपका वॉइस चेंज हो जाएगा और तो ये तो काट आउट है और कुछ नहीं भैया साउंड के अंदर। तो वीडियो बड़ा हो जाए, बहुत लंबी हो रहा है, तो मेन पार्ट आपको समझा दिया और एक लास्ट पार्ट समझा रहा हूँ रिकॉर्ड का। आपका जो रिकॉर्ड है वीडियो के अंदर नहीं है, आप बाहर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से जाके स्टार्ट वाले क्लिक कर दिया तो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना, फिर स्टॉप कर देना। आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो सपोर्ट कर लेगा। मैं 2-3 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए सपोर्ट नहीं हो रहा है। मिनिमम 5 सेकंड के ऊपर रिकॉर्ड करना है आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वायरल करो वीडियो को। फिर से मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आ जाऊँगा बहुत ही जल्द। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करो। और मेनली पार्ट आपको समझा दिया कैसे एक वीडियो एडिट करना है, कैसे कैसे, और भी इसका बहुत सारा पार्ट ऑप्शन है, और बहुत सारा एक वीडियो एडिट करने के लिए बहुत मेहनत करता है, करना पड़ता है। तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने मेन पार्ट समझा दिया। तो आपको सेकेंड पार्ट की भी चाहिए तो कमेंट करो, वीडियो को वायरल करो, पूरा ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा एक प्ले लिस्ट पे। तो बाय बाय।